अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद नईम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही की बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। ये ग्री का नॉन इन्वर्टर एसी है और इसमें एक एरर आ रहा है, मैं आपको बताऊँगा वो क्यों एरर आ रहा है और इसको कैसे ट्रेस एंड ट्रबल शूट करते हैं। इसको मैं ऑन कर चुका हूँ, देख लीजिएगा। इसमें F1 एरर आ रहा है और इसके जो ब्लोअर है वो अच्छी स्पीड से चल रहा है, देख लीजिएगा स्विंग भी चल रही है और इसके डिस्प्ले पर सिर्फ F1 एरर शो हो रहा है और ब्लोअर भी घूम रहा है और स्विंग मोटर भी चल रही है इसकी। तो ये F1 एरर किस चीज़ का है? ये F1 एरर, ये देख लीजिएगा, इसका जो रूम टेम्परेचर सेंसर है उसका कनेक्टर जो है वो PCB से ही उखड़ चुका है। अगर रूम टेम्परेचर सेंसर का ख़राब हो जाए या उसका कनेक्टर जो है वो उतर जाए या रूम टेम्परेचर सेंसर जो है ना वो ओपन हो जाए तो ये एरर आता है। ये देख लीजिएगा इस तस्वीर में, रूम टेम्परेचर सेंसर का कनेक्टर जो है वो PCB से ही उखड़ चुका है जिसकी वजह से ये एरर शो हो रहा है। और मैं आपको इसकी प्लेस दिखाता हूँ, ये जहाँ लगा हुआ था कनेक्टर, थोड़ा सा जूम करके ये देख लीजिएगा, ये है कॉइल और साथ लिखा है रूम। ये रूम टेम्परेचर सेंसर, यहाँ से इसका कनेक्टर जो है वो उखड़ चुका है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। हम अब इसको दोबारा जो है वो हम रिप्लेस इसकी जगह पर जो इसको सोल्डरिंग आयरन से फिक्स कर देंगे तो ये एरर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ ये F1 एरर आ रहा है सिर्फ रूम टेम्परेचर सेंसर की वजह से ही ग्री में आ रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।